हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से विश्व युद्ध लड़ा गया था, किन कारणों की वजह से विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और आखिर में द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले थे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 में और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था 15 अगस्त 1945 में। और मैं आपको बताऊंगी कि और द्वितीय विश्व युद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है। तो वर्ल्ड वार को जाना जाता है ग्लोबल वार के नाम से और इसे टोटल वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह भी प्रथम विश्व युद्ध की तरह ही पूरी दुनिया में लड़ा गया था, इसीलिए इसको ग्लोबल वार और टोटल वार कहा जाता है। और अब जानते हैं आखिर किन देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, पोलैंड, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र, जिसमें थे जर्मनी, जापान और इटली। इन दोनों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। अब आगे हम देखेंगे आखिर किन कारणों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेज के बारे में, आखिर किन कारणों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो सबसे मुख्य कारण था, वो था वर्साय की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्साय की संधि के कारण ही हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई थी और इस संधि ने जर्मनी के मान सम्मान को बहुत ठेस पहुँचाई थी, और इसका उल्लंघन करने के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और राष्ट्रीय संघ भी इस द्वितीय विश्व युद्ध को रोक पाने में असफल रहता है। तो अब बात करते हैं और कारणों के बारे में। तो सबसे फर्स्ट पर है मिलिट्रिज्म। इसमें क्या हुआ था, सभी देशों ने ये सोच बनाई हुई थी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, लार्ज आर्मी है, मशीन गन्स है, टैंक्स हैं और बड़े बड़े नेवल शिप्स हैं, जिनके चलते अब हमें कोई नहीं हरा सकता। और दूसरे नंबर पे है अलायंस, इसका मतलब होता है संधि करना। उस समय पर क्या था कि सभी देश एक दूसरे के साथ संधि कर रहे थे, अगर कोई हम पर हमला करता है तो आप इसमें हमारी हेल्प करेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा कारण था इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्य स्थापित करना। उस समय सभी राष्ट्रों में ये सोच बनी हुई थी कि हम अपना साम्राज्य स्थापित कर दें। और लास्ट है नेशनलिज्म, इसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। सभी देशों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो जागने लगी थी। जितने भी कवि थे, समाचार पत्र थे, इन सब ने अपने देश की भावनाओं को लोगों के सामने दिखाना शुरू कर दिया था। अगर कोई भी जीतना चाहता है और एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहता है तो उसके लिए आपको लड़ना होगा, इस तरीके की भावना उस समय देखने को मिल रही थी। तो ये थे कुछ कारण जो हमने अभी डिस्कस करे, जो थे लॉन्ग टर्म कॉजेज। अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कॉजेज के बारे में। अब आप देखना किस तरीके से जर्मनी वर्साय की संधि का उल्लंघन करता है और किस तरीके से ये चीज़ें द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लेती हैं। तो 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। तो जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है तो वो जनता से ये कहना शुरू कर देता है कि हमारे ही देश में हम सेना को सीमित रख सकते हैं, हमें पैसों का लॉस हो रहा है, और वर्साय की संधि एक अपमानजनक संधि थी और विश्व में हमारे लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर हमें ये सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए तो हमें वर्साय की संधि का उल्लंघन करना होगा। तो अब हिटलर वर्साय की संधि का उल्लंघन करना शुरू कर देता है और अपनी सेना को मजबूत बनाता है, अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाता है। अब यहाँ पर एक जगह थी राइन लेन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का यहाँ पर आना मना था, अपनी सेना भेजना यहाँ पर मना था, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए पहले बेल्जियम पर हमला किया था, और बेल्जियम पर हमला करने के लिए उसने यहाँ पर ही सेना भेजी थी। तो फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो कि जर्मनी पहले बेल्जियम पर हमला करे और उसके बाद फ्रांस पर हमला करे, इसीलिए वर्साय की संधि में इस चीज़ को मेंशन किया गया था कि जर्मनी कभी भी राइन लेन के पास अपनी सेना नहीं भेज सकता। तो इस चीज़ का उल्लंघन करना हिटलर ने शुरू कर दिया था और यहाँ पर अपनी सेना को भेजना शुरू कर दिया था।
अब ये तो थी एक साइड जो आपने अभी देखी, किस तरीके से जर्मनी वर्साय की संधि का उल्लंघन शुरू करता है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जापान अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है। अब जापान क्या करता है, 1931 में चीन का एक हिस्सा है जो बहुत ही रिच था उस समय पे, तो वहाँ पर क्या करता है, हमला कर देता है। उस एरिया का नाम होता है मंचूरिया, और इस मंचूरिया इलाके पर जापान अपना अधिकार कर लेता है और अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से हिटलर वर्साय की संधि का उल्लंघन करता है और जापान किस तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित करता है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर एक और कदम उठाता है। अब हिटलर 1938 में चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया पर हमला करता है और ये बोलता है कि यहाँ पर तो हमारे ही लोग रहते हैं, तो इन देशों पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए। और 1938 में अटैक कर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर हिटलर का अधिकार हो जाता है, जर्मनी का अधिकार हो जाता है। अब जर्मनी का इन दोनों देशों पर साम्राज्य स्थापित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी शक्तियाँ थी, फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों ही शक्तियाँ कुछ नहीं करती और वो सोचती हैं कि ये बहुत छोटे से देश हैं, ये चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती। लेकिन जो जर्मनी होता है वो दूसरा स्टेप लेता है, और वो दूसरा स्टेप ये लेता है कि वो पोलैंड पर हमला करने की सोचता है। अब जर्मनी पोलैंड पर हमला करने के लिए रशिया को अपने साथ मिला लेता है और यहाँ पर जर्मनी और रशिया मिलकर पोलैंड पर हमला करते हैं। अब ये दोनों ही देश जिस दिन पोलैंड पर हमला करते हैं उसी दिन से द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत होती है, और ये हमला होता है 1 सितंबर 1939 को। इसी दिन से द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत मानी जाती है। अब जब ये दोनों देश जर्मनी और रूस मिलकर पोलैंड पर हमला कर देते हैं तो पोलैंड इस युद्ध में हार जाता है और पोलैंड के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से पर अधिकार हो जाता है जर्मनी का और दूसरे हिस्से पर हो जाता है रशिया का। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से फ्रांस और ब्रिटेन की एंट्री होती है। इसमें क्या होता है, पोलैंड की ट्रीटी हुई होती है, संधि हुई होती है फ्रांस के साथ और ब्रिटेन के साथ, क्योंकि जर्मनी और रूस मिलकर पोलैंड पर हमला कर देते हैं। तो इस संधि की वजह से इस द्वितीय विश्वयुद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन भी आ जाते हैं पोलैंड की हेल्प करने के लिए। अब जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लेता है, इसके बाद वो 1940 में नॉर्वे पर और डेनमार्क पर हमला करता है और इन दोनों देशों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। अब जर्मनी ने पोलैंड पर अपना कब्जा कर लिया है, नॉर्वे पर, डेनमार्क पर, अब वो आगे बढ़ता है और भी देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है, जैसे कि नीदरलैंड पर और बेल्जियम पर। इन दोनों ही देशों पर हमला करता है और यहाँ पर भी जर्मनी की जीत होती है और इन दोनों देशों पर जर्मनी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। क्योंकि जर्मनी इतने सारे देशों पर हमला करता है और सभी देशों पर अपनी जीत हासिल करता है, तो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी यहाँ पर फ्रांस पर अटैक करता है और 4 दिन के अंदर अंदर ही जर्मनी फ्रांस पर जीत हासिल कर लेता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जर्मनी उस टाइम पर किस तरीके से एक के बाद एक साम्राज्य स्थापित करता जा रहा था और एक के बाद एक देश पर हमला कर रहा था और उसे जीत रहा था। सबसे पहले जर्मनी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया से, उसके बाद वो पोलैंड पर हमला करता है और वहाँ पर भी उसकी जीत होती है, इसके बाद नॉर्वे पर, डेनमार्क पर, और इसके बाद नीदरलैंड और बेल्जियम पर हमला करता है, और जो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी फ्रांस उस पर भी हमला करता है और उसे भी जीत लेता है और वहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लेता है। और अब हम देखेंगे किस तरीके से जर्मनी अटैक करता है ब्रिटेन के ऊपर और जर्मनी और ब्रिटेन की लड़ाई होती है। अब 1940 में क्या होता है, जर्मनी और ब्रिटेन का युद्ध होता है, वार होती है, और इस युद्ध को कहा जाता है वार ऑफ ब्रिटेन, या फिर हम कह सकते हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन। और इस युद्ध में क्या होता है, कोई भी लड़ाई जमीन पर नहीं लड़ी जाती, सारी लड़ाई आसमान में लड़ी जाती है एयरफोर्स की मदद से। और जैसा कि आप जानती हैं, जर्मनी
जो कि फ्रांस पर हमला कर चुका है और फ्रांस को जीत चुका है और वो अपना साम्राज्य आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो इसीलिए ब्रिटेन पर भी हमला कर देता है। लेकिन ब्रिटेन पर हमला करने के बाद इस लड़ाई में जर्मनी की हार होती है और ब्रिटेन यहाँ पर जीत जाता है। तो अब तक आपने देखा किस तरीके से ब्रिटेन जीतता है और जर्मनी हार जाता है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से इटली भी लड़ाई करता है। तो अफ्रीका में एक जगह है इजिप्ट, आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम। तो यहाँ पर क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। और यहाँ पर क्या करता है इटली, यहाँ पर हमला कर देता है ताकि अपना शासन स्थापित कर पाए। लेकिन इस चीज़ में भी इटली की हार हो जाती है जर्मनी की ही तरह। अब यहाँ पर इटली हार तो जाता है, लेकिन इसके बाद जर्मनी और इटली दोनों ही मिलकर इजिप्ट पर वापस हमला करते हैं और इस बार ये दोनों देश जीत जाते हैं, इटली और जर्मनी। और यहाँ से ब्रिटेन को हटा दिया जाता है और इन दोनों देशों का कब्जा हो जाता है इजिप्ट पर। अब यहाँ पर ब्रिटेन हट जाता है और जर्मनी और इटली जीत जाते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बनता है। अब जापान भी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक कदम उठाता है और चीन पर हमला करता है और चीन पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। और इसके बाद जापान हांगकांग पर, बर्मा पर, फिलीपींस पर, सिंगापुर पर और इंडोनेशिया पर अटैक करता है और यहाँ पर उसकी जीत होती है। इन सभी देशों से जापान जीत जाता है और इन सभी देशों पर जापान का अधिकार हो जाता है, कब्जा हो जाता है। अब इन सब देशों पर जापान का अधिकार होता है और जिस तरीके से ब्रिटेन की कॉलोनी थी इजिप्ट, उसी तरीके से फिलीपींस में अमेरिका की कॉलोनी थी। और जब जापान यहाँ पर हमला कर देता है, फिलीपींस को अपने कब्जे में ले लेता है, तो अमेरिका सोचता है कि जब उसने हमारी कॉलोनी पर अटैक कर दिया है, यानी कि फिलीपींस पर अटैक कर दिया है, तो इसका मतलब यही है कि उसने मुझ पर अटैक कर दिया है। तो एक ये वजह बनती है जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन जाता है। और एक और वजह बनती है अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की, और वो ये कि जब जापान फिलीपींस पर हमला कर देता है तो जो अमेरिका है वो जापान को चीज़ें सप्लाई कर रहा था, उन चीज़ों को रोक देता है। और जब जापान ये सोचता है कि उसने ये चीज़ें हमारी रोक दी हैं, ये सप्लाई रोक दी है, तो इसका मतलब वो हम पर हमला करना चाहता है। तो अमेरिका से पहले हम हमला कर देते हैं, कल को अमेरिका हम पर हमला करे, इससे पहले हम हमला कर देते हैं। तो जापान 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है और अमेरिका की दूसरी वजह बन जाती है द्वितीय विश्व युद्ध में आने के लिए। अब पर्ल हार्बर अमेरिका का एक बंदरगाह है जहाँ पर जापान अटैक कर देता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अमेरिका के बहुत सारे जहाज़ों को नष्ट कर दिया जाता है, अमेरिका के सैनिक मारे जाते हैं और यहाँ से शुरुआत हो जाती है अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की। अब जब अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई हो रही होती है तो अमेरिका 1942 में मित्र राष्ट्रों में मिल जाता है और मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। मित्र राष्ट्र वो हैं जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड है। अब अमेरिका और जापान में लड़ाई होती है, काफ़ी टाइम तक लड़ाई होती रहती है और इसमें जीत होती है अमेरिका की और इस युद्ध में जापान की हार हो जाती है और यहाँ पर अमेरिका जीत जाता है। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में, क्योंकि जर्मनी एक के बाद एक देश पर हमला कर रहा था और अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था। उसने पोलैंड पर हमला किया और इसमें उसने मदद ली थी रशिया की और पोलैंड के दो हिस्से हो जाते हैं, जिस पर एक पर अधिकार हो जाता है जर्मनी का और दूसरे हिस्से पर अधिकार हो जाता है रशिया का। अब क्योंकि जर्मनी अपना और साम्राज्य स्थापित करना चाहता है तो वो 1941 में 1941 में जर्मनी हमला कर देता है रूस पर और इस ऑपरेशन को कहा जाता है ऑपरेशन बारबरोसा। अब जर्मनी रूस पर ये सोचकर हमला करता है कि रूस बहुत बड़ा है, अगर ये मेरे साम्राज्य में मिल जाएगा तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन यहाँ पर वो एक गलती करता है क्योंकि रूस बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और रूस की आर्मी भी बहुत मजबूत थी। तो यहाँ पर जर्मनी हार जाता है और रूस जीत जाता है।
अब आप देखेंगे कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होना शुरू होता है। तो अफ्रीका में जितनी भी कॉलोनी होती है उनको मित्र राष्ट्र मिलकर उन कॉलोनियों को ख़त्म कर देते हैं और जर्मनी और इटली को वहाँ से हटा देते हैं और जो अफ्रीका होता है उसको आज़ाद करा देते हैं। अब जो मित्र राष्ट्र हैं वो मिलकर इटली पर हमला करते हैं और यहाँ पर इटली हार जाता है और मित्र राष्ट्रों की जीत हो जाती है और जो यहाँ की इटली की जनता होती है वो अपने तानाशाह बेनिटी मुसोलिनी को हटा देती है। अब जर्मनी हार चुका होता है रूस से, उधर मित्र राष्ट्र मिलकर अफ्रीका की कॉलोनीज को आज़ाद करा लेते हैं और दूसरी तरफ इटली पर हमला करते हैं और इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत होती है। इसके बाद मित्र राष्ट्र क्या करते हैं, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस पर भी कब्जा किया हुआ था तो यहाँ पर एक जगह है नॉर्मंडी, वहाँ पर हमला करते हैं मित्र राष्ट्र और यहाँ पर फ्रांस को आज़ाद करवा लेते हैं जर्मनी से। अब फ्रांस से भी जर्मनी का कब्जा हट चुका था। अब इसके बाद लड़ाई होती है जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ बर्लिन, और यहाँ पर भी जर्मनी की हार होती है और मित्र राष्ट्रों की जीत होती है और अप्रैल 1945 में जर्मनी सरेंडर कर देता है और यहाँ पर हिटलर अगले ही दिन सुसाइड कर लेता है। और जब हिटलर सुसाइड करता है उसके अगले ही दिन से यूरोप में युद्ध को ख़त्म मान लिया जाता है, क्योंकि जब हिटलर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से ही यूरोप में युद्ध ख़त्म हो जाता है। अब जर्मनी हार चुका है और इटली हार चुका है, अब बचता है जापान। अब अमेरिका जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराता है और इन बम का नाम होता है लिटिल बॉय और दूसरे बम का नाम होता है फैट मैन। अमेरिका हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराता है और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। तो यहीं पर जब अमेरिका जापान पर बम गिराता है और जापान सरेंडर कर देता है 15 अगस्त 1945 को, तो यहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। तो अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है तो शीत युद्ध का आरंभ हो जाता है। अब क्योंकि राष्ट्रीय संघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल था, इसीलिए एक नया राष्ट्रीय संघ बनाया जाता है और इसका नाम रखा जाता है संयुक्त राष्ट्रीय संघ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का आरंभ हुआ था और संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी टोटल वार था, ग्लोबल वार था, तो इसमें भी आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था और बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी हुआ था। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया कि ये कब शुरू हुआ था और किन देशों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और द्वितीय विश्व युद्ध को और किन-किन नामों से जाना जाता है, और साथ ही हमने जाना कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, इसके लॉन्ग टर्म कॉजेस कौन से थे, इसके शॉर्ट टर्म कॉजेस कौन से थे, और इसके बाद हमने जाना कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है, और लास्ट में हमने परिणामों को डिस्कस किया।